हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोन क्लीवेज के बारे में। मतलब बोन जो ब्रेक होती है वो मिड से कब ब्रेक होगी और साइड से कब ब्रेक होगी, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, बोन क्लीवेज जो होता है, बोन का टूटना, वो दो तरह से होता है। एक होता है होमोलिसिस, एक होता है हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। जैसे पेन है, अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं तो ये होगा सिमेट्रिकल क्लीवेज, होमोलिसिस, ठीक है ना। ये तब होता है जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। इसे हम नॉन पोलर बॉन्ड क्लीवेज ही बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस कब होता है, जब एक एटम जो होगा वो स्ट्रांग होगा और दूसरा एटम क्या होगा, वीक होगा। तो बॉन्ड बीच से ना टूट के साइड से टूटती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस क्लीवेज। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, होमोलिसिस और हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं होमोलिसिस क्लीवेज से। जैसे हमारे पास एक बॉन्ड है, ए बॉन्ड बी, ठीक है ना। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन ने पार्ट ले रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की है, ठीक है, मतलब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब बॉन्ड जो होगी वो बीच से ब्रेक होगी, ना ही ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को देगा ना ही बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को देगा। तो ये बॉन्ड क्या होगी, बीच से ब्रेक होगी। तो यहां पे जो बनते हैं वो फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया और बी का इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास चला गया, तो यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल बन गए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के बराबर होगी। तो इस केस में ध्यान रखना है, अगर होमोलिसिस क्लीवेज होता है तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है ना, या सॉरी इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है, चाहे वो कार्बन की बॉन्ड हो या ना हो, तो इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं होमोलिसिस क्लीवेज कराने के लिए। तो पहली कंडीशन होती है टेम्परेचर हाई होना चाहिए या फिर वेपर फेज होना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर का मतलब वेपर फेज, वेपर मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। वेपर फेज का मतलब होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। या फिर सेकेंड कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ एचम्यू और यूवी लाइट, ठीक है ना, यूवी लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, और फोर्थ कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, तो चार कंडीशन होती हैं टोटल हमारे पास होमोलिसिस क्लीवेज कराने के लिए। पहली कंडीशन हमने डिस्कस की कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब वेपर फेज होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, कि प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होनी चाहिए, एचम्यू लाइट होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना, नॉन पोलर होना चाहिए सॉल्वेंट। और नेक्स्ट कंडीशन है कि यहां पे परोक्साइड का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोलिसिस क्लीवेज की, ठीक है। हेट्रोलिसिस क्लीवेज को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। देखिए, इसको हम पोलर बॉन्ड क्लीवेज ही बोलते हैं। तो यहां पे जैसे हमने बात की, जैसे हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, हमारे पास इस तरह से कोई एटम है, मान लीजिए हमारे पास एक है ए बॉन्ड बी, हमारे पास क्या है, ए बॉन्ड बी है। तो ए बॉन्ड बी में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये एक ये, एक ए का होगा एक बी का होगा। तो दो केस मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक ए बॉन्ड बी, एक यहां पे दिखा देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ए की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, और यहां पे बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ए की है वो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ए बी का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा पावरफुल है ए, तो ये बी का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। तो ए पे माइनस चार्ज आएगा और बी पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और यहां पे ए जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो यहां पे ए पे जो है वो प्लस चार्ज जाएगा और बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब बोन यहां से टूटेगी, ब्रेक होगी, ठीक है ना, बोन यहां से ब्रेक हो जाएगी, बी पे नेगेटिव आ जाएगा और ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने वही बात की कि अगर ए बोन बी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है और ए की कम है, तो बी पे क्या आएगा, नेगेटिव, ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा हो बी की कम, तो ए पे क्या आता, नेगेटिव, बी पे क्या आता, पॉजिटिव। तो यहां पे इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन कटायन और कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन की, क्या कंडीशन होगी हाइड्रोलिसिस क्लीवेज के लिए। तो पहली कंडीशन होती है वहां पे हाई टेम्परेचर था, यहां पे लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट था, यहां पे प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ पोलर सब्सट्रेट, ठीक है। तो सब्सट्रेट क्या होता है, यहाँ पे सब्सट्रेट की बात करते हैं। देखिए, सब्सट्रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक जनरल रिएक्शन हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं CH3Cl, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं OH- के साथ, ठीक है, तो ये बनेगा CH3OH,
ठीक है, प्लस सी एल माइनस यहां से। तो देखिए ये जो रिएक्ट करता है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है ना, जो रिएक्ट कराते हैं इस सबस्ट्रेट, ये होता है हमारा रिएजेंट। क्या होता है? रिएजेंट, जो इस रिएक्शन को कराता है, रिएजेंट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, और सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया सबस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, बट जो रिएजेंट होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो होना चाहिए वो पोलर सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में, छोटी वीडियो आज की काफी, होमोलिसिस और हेटरोलिसिस क्लीवेज समझ में आ गया होगा। होमोलिसिस क्लीवेज क्या होता है? बोन, होमो का मतलब होता है सेम, लिसिस का मतलब टूटना, बीच से टूट जाएगी, ठीक है ना, दोनों तरफ सेम पार्ट जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, ठीक है ना। क्या होगा? सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा और दोनों नॉन पोलर होंगे, किसी पे भी चार्ज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे पोलर है ना, चार्ज आ रहा है, तो ये पोलर बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ पे किसी पे चार्ज नहीं आ रहा है तो नॉन पोलर बॉन्ड क्लीवेज होगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बराबर है। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वेपर फेज होना चाहिए, एच म्यू या यूवी लाइट होनी चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए और परोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। वहां पे क्या होगा? पोलर बॉन्ड क्लीवेज होता है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज जिसे हम बोलते हैं। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन है लो टेम्परेचर, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस और पोलर सबस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हेटरोलिसिस क्लीवेज और होमोलिसिस क्लीवेज की। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। अगर वीडियो